इंटेंशन एंड एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है. एंड एक्सटेंशन अगर आपसे पूछा है, या कभी आपको नाम दे सकते हैं डिनोटेशन, ठीक है, कभी आपको नाम दिया हो सकता है एग्जाम में डिनोटेशन. सो अगर डिनोटेशन दिया है या एक्सटेंशन दिया है, वन एंड द सेम थिंग होता है ये, एंड आपको सेम रूल अप्लाई करना है. और इंटेंशन के साथ आपको क्या देगा, कनोटेशन दे सकता है इंटेंशन की जगह पर, तो सेम रूल अप्लाई होगा. अब सबसे पहले ये डिनोटेशन क्या होता है, डिनोटेशन की बात करें तो डिनोटेशन इज डिक्शनरी मीनिंग. हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा हुआ है कि डिनोटेशन होता है किसी भी वर्ड की कम्युनिकेशन, सॉरी डिक्शनरी मीनिंग. किसी वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग का मतलब है कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ठीक है. एंड कनोटेशन की बात अगर करें तो कनोटेशन का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स इमोशंस जो हम अटैच करते हैं, इजेंट इट, ये हमने पढ़ा है. कनोटेशन इज वॉट, कनोटेशन इज डिक्शनरी मीनिंग, राइट. अगर हम एक किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें कि वॉच क्या होती है, तो वॉच की अपनी एक डिक्शनरी मीनिंग है, लेकिन हम इसमें फीलिंग्स इमोशंस क्या लगाते हैं. जैसे कई बार आप बोलते हो कि वॉच वो लोग लगाते हैं जो एजुकेटेड, बहुत से ऐसे लोगों के मानना है, सोच है कि वो लोग लगाते हैं वॉच, या जिस तरह की हम घड़ी लगाएंगे उस तरह की हमारी पोजीशन डिटरमाइन होती है, वो उसका हम एक इमोशनल मीनिंग, उससे रिलेटेड मीनिंग निकाल रहे हैं, वो कनोटेशन में आएगा. आपने कौन सी ब्रांड की वॉच लगाई है वो डिनोट करेगा आपका स्टेटस, या आपने वॉच ही लगाई है ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस, ये डिनोट करेगा कि आप पढ़े लिखे हो, या जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो वॉच नहीं लगाते. तो हम बहुत सारे उसके मीनिंग्स निकालते हैं उसके पीछे, तो वो उसके कनोटेशन हो जाएगा. और डिनोटेशन क्या होगा, डिक्शनरी मीनिंग. इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है, यस, जल्दी बताएं. ठीक, अब देखो जो इंटेंशन होता है ना, इंटेंशन टॉक्स अबाउट इंटरनल मीनिंग, उसके अंदर जो मीनिंग हम निकालते हैं, जबकि एक्सटेंशन में हम एक्सटर्नल मीनिंग की बात करते हैं. एक्सटर्नल मीनिंग मतलब जो एग्जैक्टली उसकी मीनिंग है, बस इसको इतना याद कर लो. वैसे हमको मतलब का भी इतना ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमको इसके मतलब की भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज हमें पूछा जाता है जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया कि सीक्वेंस में लगाओ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. सो हमें रूल याद करना है, ठीक है, हमें क्या याद करना है, हमें रूल याद करना है. किसके किसके रूल याद करने हैं, हमें इंटेंशन के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. इस तरह से आप सब कॉपी में बनाओगे अपने, और ये आज के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए. इसकी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल दिया जाए, या आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल दिया जाए, तो बस एक रूल आपको लगाना है. वो रूल क्या है आपको मैं बताती हूँ, लेकिन आप सबसे पहले ये इस तरह का चार्ट बना लो, इंटेंशन के साथ डिनोटेशन लिख दो, एक्सटेंशन के साथ डिनोटेशन, इंटेंशन के साथ कनोटेशन, एंड जस्ट मेक दिस चार्ट, ठीक है, ठीक है. अब यस, अब हम एक छोटा सा ना एक चीज याद करेंगे, बस एक ही याद करना है आपको ट्रिक, और बाकी आप अपने से बना लोगे. ईशा, दिशा, बहन, राइट. ईशा और दिशा कौन है, बहन है, फाइन. ई फॉर एक्सटेंशन, डी फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, डिनोटेशन नहीं बोलोगे आप इसको, ई फॉर एक्सटेंशन. एक्सटेंशन याद रखना कि डिनोटेशन होता है. ईशा और डिक्रीजिंग में क्या है, बहन है, बहन मतलब ब्रॉड टू नैरो, क्लियर. तो ये थोड़ा सा याद करोगे, हाँ मैं इसको प्रीवियस क्लास में भी आपको याद करा चुकी हूँ. सो आपको ऐसे याद रखना है, ईशा ई एक्सटेंशन, दिशा डी फॉर डिनोटेशन, सॉरी डी फॉर डिक्रीजिंग, और फिर क्या होगा, बहन, ब्रॉड टू नैरो जाते हो, मतलब सबसे ब्रॉड कैटेगरी उठाओगे अगर डिक्रीजिंग बोला है तो, और फिर नैरो. अब जब डिक्रीजिंग में ये है तो इंक्रीजिंग में क्या होगा, उल्टा होगा, नैरो टू ब्रॉड होगा, ठीक है, यस. आप क्या करोगे, आपने जब इसको क्या बोला कि ये ब्रॉड टू नैरो है तो उल्टा वाला, दूसरा वाला क्या होगा, उल्टा होगा, क्लियर है, ठीक है. अब ये आपने कर लिया, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हम यहीं से बनाएंगे, क्योंकि हम इतना याद करते हैं एग्जाम में भूल जाते हैं. सो अब यहीं से बनाओ. अगर आप एक्सटेंशन देखोगे, इसके इंक्रीजिंग में ये है, तो आपके इंटेंशन का इंक्रीजिंग उल्टा होगा, ब्रॉड टू नैरो होगा,
और क्योंकि ये ब्रॉड टू नैरो है तो ये क्या होगा, नैरो टू ब्रॉड होगा, ठीक है। ये रूल है, ये याद करोगे आप। सो हमने बस एक याद किया, इशा दिशा बहन। अगर एक्सटेंशन पूछता है, डिक्रीजिंग पूछता है तो ये हो जाएगा, इंक्रीजिंग पूछता है उलट देना। अब अगर आपसे इंटेंशन पूछता है तो बस ऐसे याद कर लो कि इंटेंशन में अगर डिक्रीजिंग ब्रॉड टू नैरो था तो आपका इंटेंशन का डिक्रीजिंग क्या होगा, ये होगा। अगर एक्सटेंशन का इंक्रीजिंग ये था तो इसका इंक्रीजिंग उल्टा होगा। दिस इज हाउ यू विल बी मेकिंग एंड दिस इज हाउ यू विल बी लर्निंग। अब एक बार हम और बना लें, अब हम एक बार और वापस से बना लें, फटाफट से बनाएंगे। इंटेंशन, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आई वॉन्ट कि क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाए। अब आप इसके पीछे कन्फ्यूज बिल्कुल मत हो, क्योंकि आपको मालूम है जून में यहाँ से क्वेश्चन आया था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक्सटेंशन और डिक्रीजिंग, इशा दिशा बहन है, ठीक है। अगर इसका डिक्रीजिंग ये है तो इसका डिक्रीजिंग क्या होगा, उल्टा होगा। अब ऑब्वियसली अगर डिक्रीजिंग में हम ये लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा होगा, और अगर इसमें हमने लिखा है नैरो टू ब्रॉड तो इसके अंदर क्या होगा, ब्रॉड टू नैरो। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हुई, सबको क्लियर है? यस, हाँ सबको क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम एक क्वेश्चन करेंगे इसी रूल को लगा के। अब करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कनोटेशन। आपको मालूम है कनोटेशन क्या होता है, कनोटेशन है और इंक्रीजिंग है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, नैरो टू ब्रॉड या ब्रॉड टू नैरो, करके इसका आंसर करके मुझे बताओ, ठीक है। मैं पोल ऑन कर लूँ एक बार, जस्ट अ मोमेंट। यस, स्विचिंग ऑन पोल एवरीवन, प्लीज आंसर। टाइम्स अप। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर सी। 66% पीपल ने भी आंसर सही किया है। इंक्रीजिंग कनोटेशन, कनोटेशन मतलब इंटेंशन, ठीक है। कनोटेशन में इंक्रीजिंग होता है ब्रॉड टू नैरो, ठीक। अब ब्रॉड टू नैरो सबसे बड़ा क्या है इसमें, एनिमल है ना, एनिमल की कैटेगरी होती है डोमेस्टिक एनिमल या क्या है, तो सबसे पहले हमारा एनिमल आएगा, दैट इज टू सबसे पहले होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एनिमल के बाद डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल के बाद आपका क्या होगा, वो एनिमल जो भार उठाते हैं। अब भार उठाने के लिए आपको मालूम है कि डोमेस्टिक एनिमल में या तो आपके पास हॉर्स होता है या डोंकी होता है। अब उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया है तो एग्जाम्पल सबसे लास्ट में आएगा। ब्रॉड टू नैरो मतलब आप ब्रॉड कैटेगरी से चलोगे और एकदम कहाँ पर आओगे, नैरो पे आओगे, मतलब एग्जाम्पल पे आओगे, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। कैसे बनाओगे, सबसे पहले एनिमल है, यस, एनिमल के बाद क्या होगा, एनिमल के बाद आएगा मेरा कि डोमेस्टिक एनिमल है। डोमेस्टिक एनिमल में अलग अलग तरह के एनिमल्स आते हैं, ठीक है। एनिमल दैट गिव यू मिल्क, एनिमल जो आपका भार उठाते हैं, इसमें भार उठाने वाले कई एनिमल्स होते हैं जिसमें एग्जाम्पल दिया है हॉर्स का। सो यहाँ पर हम क्या आ गए, ब्रॉड टू नैरो में आ गए, क्लियर है? यस यस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपका उठाया हुआ है यहाँ से, होपफुली क्लियर है। एक मिनट मैं चार्जिंग लगा लूँ। यस, ठीक है। सो ये रूल हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। ये प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट था मैराथन का।